बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, महिलाओं के सम्मान में। और इंशाल्लाह हम जब तक भी जिंदा है हमारी ये हिजाब कोई निकाल नहीं सकता है। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, महिलाओं के सम्मान में, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, महिलाओं, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, सम्मान में। मोदी सरकार, मोदी सरकार, महिलाओं के सम्मान में, मोदी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में। कांग्रेस पार्टी कर रही है।
मेरी पार्टी का अलग मैदान में है, मेरी पार्टी का अलग मैदान है, ये बात नहीं है। क्या नाम है आपका? चंदू शमीम। बताइए आप। देखो हम यहाँ पर मतलब पॉलिटिक्स के लिए आए थे, जब हमको मैसेज आए कि जैसा हिजाब के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो हमने सबको बोले और हम यहाँ पर आए, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमको ऐसा लगा कि हमको पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है और जो हमको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और रहा हमारे हिजाब का सवाल, तो ये हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा, इसलिए दुनिया में किसी की भी कोई ताकत नहीं कि वो हमारा हिजाब निकाले। हम जब तक जिंदा है और ता कयामत तक जब तक भी मुसलमान जिंदा है वो हिजाब में ही रहेगा। मेरा गज़ल मांडे करें। और रही दूसरी बात, हम हमारे हिजाब के लिए लड़ रहे, ये हमारा पैदाइशी हक है, हमको इससे कोई ये नहीं कर सकता, दूर नहीं कर सकता, ये हमारा हक है और ना कोई उतार सकता है इसको, कोई पॉलिटिक्स, कोई नेता, कोई 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 कुछ नहीं कर सकता और ना हम उतारने देंगे। जो पार्टी जी ये हमको कंचन दाई ने बुलाया था यहाँ पर, कंचन दाई ने ये निकाला था, जो भी है एक मिनट बीच में मत बोलो। तो हम हमारे हिजाब के लिए लड़ने आए, किसी के पॉलिटिक्स में खेलने नहीं आए, हमको सिर्फ इसी के लिए लड़ना है। हमको बुलाए थे मगर हमको उसी के उनके पार्टी में खड़े नहीं, हम पार्टी में से खड़े नहीं है, हम हमारे हिजाब के लिए लड़ रहे सिर्फ। हमारा ये मतलब है हम पार्टी को बीच में मत लो, हम सिर्फ हमारे आज आम्ही कर्नाटकमध्ये घडलेला जो प्रकार आहे त्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेस प्रत्येक जिल्ह्यात हा हिजाबच्या सपोर्टमध्ये आंदोलन घेत आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून कल्याण डोंबिवली महिला काँग्रेसनी आज हिजाबच्या सपोर्टमध्ये एक आंदोलन बोलवण्यात आला। त्या आंदोलनांमध्ये आमच्या काही महिला आल्या, स्वतःहून काही मुस्लिम भगिनी आल्या आणि काही महिला तिथे गाळबोट लावण्यासाठी आल्या की आमचा काय जे होणारा हिजाबचं जो सपोर्टचा प्रोग्राम आहे तो कसा फ्लॉप करता येईल यासाठी आल्या। आम्ही कोणालाही कॉल करून बोलवलं नव्हतं, त्यात सगळ्या महिला स्वतःहून आल्या आहेत, ज्या कोणी आल्या आहेत आणि आमच्या महिला काँग्रेसच्या काही पदाधिकारी आहेत। पण जो आज जो प्रकार घडला ह्याची मी मनापासून निंदा करते। काँग्रेस राजकारण करते, आम्ही काँग्रेस कुठल्याच प्रकारचं राजकारण करत नाही आहे, आम्ही आमचं आंदोलन करत होतो, त्यात कोणीतरी सहभागी झाला आणि त्याच्यात गाळबोट लावण्यासाठी नको ते हे आपले नारे दिले गेले आणि नको ते आरोप करण्यात येत आहे, पूर्णपणे बिनबुड्याचा आरोप आहे।